जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में जो है पिछले आर्ट कॉम्पिटिशन जो वीडियो था उसमें मैंने टॉप 10 आर्टवर्क ग्रुप ए का दिखाया है, और अब मैं दिखाऊंगा ग्रुप बी का और ग्रुप ए का दोनों का ही टॉप 6 आर्टवर्क्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और इस वीडियो में जो भी टॉप 6 आर्टवर्क ग्रुप ए और ग्रुप बी का दिखाऊंगा कोई किसी को जज नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है टॉप 10 में, जितने भी आर्टवर्क है थोड़ा बहुत 19-20 है, इसलिए इनमें से मैंने काफ़ी जो है मेहनत करके टॉप 6 आर्टवर्क मैंने सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, किसी ने डिटेलिंग तो अच्छे से किया पर फेस को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाए, किसी ने स्किन को स्मूथली ड्रॉ किया है पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया है। इस तरह हर एक कुछ ना कुछ में तो कमी तो रहता है, फिर भी उसमें से ही मुझे आर्टवर्क सिलेक्ट करना होगा इनमें से टॉप 6, तो इसी को मैंने सिलेक्ट किया है। और कोई किसी को नहीं कहेगा कि मुझसे तो मेरा आर्टवर्क ज़्यादा अच्छा था, और ऐसा कहोगे तो आपका आर्टवर्क भी रहता तो आपके आर्टवर्क के ऊपर भी कई सारे लोग वही कमेंट सेम कमेंट करते हैं। तो इसलिए लास्ट तक देखते रहो, और जो भी आर्टवर्क है तो एक एक करके देखते जाओ। पहले ग्रुप बी का दिखाऊंगा, उसके बाद ग्रुप ए का। तो ये आर्टवर्क सेयाश्री अधिकारी जी का है। तो इस आर्टवर्क में मुझे खासकर डिटेलिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इस आर्टवर्क को टॉप 6 में सिलेक्ट किया है। तो ये आर्टवर्क श्वेता वर्मा जी का है। तो इसमें जो है आपका आर्टवर्क में ब्राइटनेस काफ़ी कम है, और बाकी जो टॉप 10 में जितना भी आर्टवर्क था उसमें से इस आर्टवर्क में थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इस आर्टवर्क को सिलेक्ट किया है। तो ये आर्टवर्क है प्रीतम जी का। तो आपके आर्टवर्क में मुझे कलरिंग और डिटेलिंग काफ़ी अच्छा लगा, मुकुट के ऊपर खासकर, और बाकी हर जगह पर डिटेलिंग तो अच्छा है, पर यहाँ पे आपको जो है फेस में और थोड़ा स्मूथ हो सकता था, प्लेन टेक्सचर के थोड़ा सा कमी रह गई। और ये आर्टवर्क है अमर विश्वकर्मा जी का। तो इस आर्टवर्क में मुझे डिटेलिंग, फेस एक्सप्रेशन, शेडिंग हर कुछ में अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इस आर्टवर्क को सिलेक्ट किया है। तो ये आर्टवर्क है माता लक्ष्मी जी का, क्योंकि इसलिए मैंने कहा है क्योंकि आपने नारायण जी का स्केच ड्रॉ किया है, और इस आर्टवर्क में मुझे खासकर आपने प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन स्किन जो है ड्रॉ किया है, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और डिटेलिंग भी अच्छा है, तो इसलिए मैंने इस आर्टवर्क को जो है सिलेक्ट किया है। तो ये आर्टवर्क है गौंकर स्वराज जी ने, स्वराज जी का। तो आपके आर्टवर्क में स्किन टेक्सचर आपने काफ़ी प्लेन ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने इस आर्टवर्क को सिलेक्ट किया है, बाकी डिटेलिंग में थोड़ा कमी है और शेडिंग में थोड़ा कमी रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप बी का टॉप 6 आर्टवर्क जो हमने दिखा दिया आप लोगों को। तो अब हम देखेंगे ग्रुप ए का टॉप 6 आर्टवर्क। तो ये आर्टवर्क है भक्ति शंकराल जी का। तो आपके आर्टवर्क में मुझे खासकर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आपने फेस को काफ़ी जो है क्यूट ड्रॉ किया है, बाकी आप मुकुट के ऊपर और थोड़ा डिटेलिंग डार्क शेडिंग करते तो और ज़्यादा बेटर लगता। तो ये आर्टवर्क है, आपका नाम मुझे अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे आपका आर्टवर्क मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपके आर्टवर्क में मुझे मुकुट काफ़ी अच्छा लगा और फेस में भी अच्छा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क शेडिंग होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे लगता है आपने फ़ोटो क्लिक अच्छे से नहीं किया है, इसलिए इतना डार्क नहीं दिख रहा है। तो ये आर्टवर्क है अभिषेक वरुणाल जी का। तो आपका आर्टवर्क मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आपका आर्टवर्क काफ़ी क्लीन लग रहा है, और बाकी आपका यहाँ बॉडी के ऊपर डिटेलिंग और शेडिंग थोड़ा कमी है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो ये आर्टवर्क है, यहाँ पे लिखा है सोनल रस जी का। तो यहाँ आपका आर्टवर्क, इस आर्टवर्क को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें भी मुझे काफ़ी प्लेन क्लीन टेक्सचर दिख रहा है, और आर्टवर्क में ज़्यादा मिस्टेक तो मुझे नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बैकग्राउंड से लेकर फेस तक काफ़ी क्लीन है और प्लेन स्किन टेक्सचर भी है, बाकी थोड़ा सा ज्वेलरीज के ऊपर डिटेलिंग की कमी है। और ये आर्टवर्क है शरद सिंह जी का। तो इस आर्टवर्क में मुझे डिटेलिंग, शेडिंग इन सब में अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इस आर्टवर्क को सिलेक्ट किया है। तो ये आर्टवर्क है सुबह सिंहा जी का। तो आपके आर्टवर्क में भी मुझे डिटेलिंग अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इस आर्टवर्क को जो है सिलेक्ट किया है, और डार्क हो सकता था शेडिंग। तो मैंने आप लोगों को ग्रुप ए का टॉप 6 और ग्रुप बी का टॉप 6 आर्टवर्क दिखा दिया है, और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उस वीडियो में जो है टॉप 3 या फिर फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। तो तब तक के लिए वेट करिए, आप सभी को जय सियाराम। और बाकी जिन जिनका आर्टवर्क यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है उनका 19-20 के कारण सिलेक्ट नहीं कर पाया मैंने, तो आप लोग दुखी मत होना, और अपने शेडिंग डिटेलिंग इन सब में ध्यान देना और प्रैक्टिस करते रहो, और हार और बुरा कभी मत मानना क्योंकि इससे नुकसान तुम्हारा ही है, तो कोई बुरा मत मानना। कीप प्रैक्टिस टू इम्प्रूव। जय सियाराम।